न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। मक्की की रोटी और सरसों के साग के स्वाद के साथ, मूंगफली और गुड़ की मिठास के साथ, निरंकारी जगत की सभी प्रमुख सूचनाएं और समाचार लेकर हाजिर है हम न्यूज डिवाइन के दिसंबर अंक के साथ। मैं हूं मुक्ता और मैं राकेश। नमस्कार, मैं निरंकार। फ्रेंड्स, द सीजन ऑफ विंटर इज वन टाइम व्हेन यू एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सन द मोस्ट, and this season also begins with the warmth of love and devotion which is shared by lakhs of Nirankari devotees when they gather to celebrate divinity in the most meaningful and disciplined way at the annual Nirankari Sant Samagam which is held at the Nirankari Sarovar grounds every year. Mukta ji, is bar samagam ke samacharon ke sath sath aur kya hai naya hamare darshakon ke liye? राकेश जी, समागम के अद्भुत नज़ारे तो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे ही, लेकिन न्यूज़ रिवाइंड के जो हमारे रेगुलर सेक्शन रहते हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। 68वां वार्षिक संत समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात और अन्य समाचार। और दर्शकों, अब समाचार विस्तार से। निरंकारी वार्षिक समागम एक ऐसा उत्सव है जिसकी प्रतीक्षा भक्तों को सारा साल रहती है। और देखिए ना राकेश जी, समागम शुरू हुआ और पलक झपकते ही संपन्न भी हो गया। जी हाँ मुक्ता जी, जो ये खुशी और आनंद के पल होते हैं ये कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और ये पल मिलते हैं केवल गुरु कृपा से। और गुरु कृपा का दिव्य उपवन सजा था 14, 15 और 16 नवंबर को, जब देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रेमा भक्ति के महायज्ञ में सम्मिलित होने समागम ग्राउंड बुराड़ी पहुंचे थे। और राकेश जी, हर साल की तरह निरंकारी संत समागम एक संदेश भी लेकर आता है। जी हाँ, और इस बार जो संदेश रहा विशेष सदगुरु बाबा जी ने जो हमें दिया वो था द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस। बातें और भी हैं और बहुत सारे संदेश, बहुत सारे ऐसे एहसास हैं जो हम आपसे साझे कर सकते हैं, लेकिन राकेश जी अगर सब हमने बता दिया तो दिखाने के लिए क्या रह जाएगा, बचेगा क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो अपनी वाणी को देते हैं विराम और चलते हैं उस बैकुंठ में जिसे हम निरंकारी संत समागम के नाम से जानते हैं। निरंकारी मिशन का 68वां वार्षिक संत समागम 14, 15 और 16 नवंबर को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित निरंकारी चौक समागम ग्राउंड में संपन्न हुआ। समागम के दिनों में देश विदेश के अलग अलग प्रांतों से रात दिन भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ रहा था, वहीं निजी साधनों से भी श्रद्धालुओं के पहुँचने का तांता लगा रहा। भक्तों में नन्हे नन्हे बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सज्जन बढ़े चले आ रहे थे। निरंकारी मिशन का 68वां वार्षिक संत समागम, हम यहां पर खड़े हुए ग्राउंड नंबर 1 में। गाड़ियां लगातार आ रही हैं, देश के कोने कोने से महापुरुष लगातार आते जा रहे हैं, कोई बसों में, ट्रकों में, कारों में, जो जहां से जैसी सुविधा बन रही है लगातार आते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से एडजस्ट करके आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों में बैठ कर आ रहे हैं महापुरुष। सभी एक ऊर्जा से भरे हुए, चेहरे पर एक मुस्कान है खिली हुई और एक खुशी है जो चेहरे पर नाच रही है। आइए महापुरुषों से जानते हैं। हम मोगा से आए हैं, यहाँ कर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बस सतगुरु दर्शन करना आई, थकान कैसी होगी? सतगुरु साड़ा बहुत प्यारा, बहुत प्यार करता है संसार में। हम सुबह 7 बजे से बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पे 14 घंटे में पहुँचे, 14 आवर्स में। ये हमारे लिए एक हेवन है और थकान यहाँ से दूर भागती है देख के। बाबा जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, महापुरुषों का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मुरादाबाद से आए जी हम, और हम इस दिन का काफी बेसब्री से हमें इंतजार रहता है जी। मेरा नाम है विनोद कंवर, हम आए हैं बिहारीपुर से। मेरा नाम सुनीता है, मैं बम्बई से आई हूँ।
आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आईया रौनका ने बेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके। तो इंदिरा गांधी T3 टर्मिनल पर हम यहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त संतों का आगमन हो रहा है, रात के करीब 12 बजे है। दूर देशों से महापुरुष संत जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो इस विशाल विशाल निरंकारी संत समागम का एक पार्ट बन सकें। दास सुरजीत अरनेजा मॉन्ट्रियल कनाडा से आया है और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है जब सच्चे पातशाह के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए समागम पे आते हैं और यहाँ महापुरुष आते ही इतना प्यार से जिया करते हैं, वेलकम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। हमारा समागम यहीं से शुरू हो जाता है। इट्स एन ऑनर टू बी हियर इन दिल्ली। इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू कम टू द फेस्टिवल, टू कम एंड सी एवरीवन, सो मेनी पीपल, बट इट्स अ रियल ऑनर टू बी हियर इन दिल्ली एंड आई एम लुकिंग वेरी वेरी मच फॉरवर्ड टू अ वीक एंड अ बिट हियर इन इंडिया। I am delighted to be here with Matthew Guy as part of this delegation. This is the first trip that we've taken and we're just delighted to be here. समागम से पूर्व 13 नवंबर को प्रार्थना दिवस के रूप में समागम का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश से आए भक्तों ने सद्गुरु बाबा जी और परम पूज्य माता जी के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत किए। 14 नवंबर यानी समागम का पहला दिन, जिसकी शुरुआत हुई बैंड की मधुर मधुर ध्वनि के साथ, जो सूचक था सद्गुरु बाबा जी के आगमन का। समागम का भव्य मुख्य द्वार मानो हर आगंतुक की प्रेम पूर्वक अगवानी कर रहा था और मुख्य द्वार से लेकर पंडाल तक कतारबद्ध भक्तजन अपने इष्ट के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। सद्गुरु बाबा जी और परम पूज्य माता जी का आगमन होते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। निरंकारी मंडल के पदाधिकारियों ने आगे बढ़कर हुजूर बाबा जी और परम पूज्य माता जी का भावभीना स्वागत किया। तत्पश्चात फूलों से सजी पालकी में जब दिव्य युगल विराजमान हुए तो शोभा यात्रा का मनोहारी दृश्य बन गया, जिसे निहार कर भक्तजन फूले नहीं समा रहे थे। संपूर्ण वातावरण में एक विहंगम और अलौकिक दृश्य प्रकट हो रहा था। मधुर मधुर स्वागत गान के बीच हर हृदय को खुशियों से सिंचित करती हुई ये शोभा यात्रा धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ी। मुख्य मंच पर दिव्य युगल के विराजमान होने के पश्चात विधिवत रूप से समागम का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम सद्गुरु बाबा जी ने मानवता के नाम संदेश देते हुए कहा, सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत करीब एक बरस के बाद आप सभी देश के और विश्व के अनेकों हिस्सों से चलकर आए हैं, एक श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर इस महान परोपकार में अपने योगदान देने के लिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए हैं ये मकसद है दुनिया में अमन भाईचारा स्थापित करने का। तत्पश्चात भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों ने अलग अलग भाषाओं में अपने हृदय के भाव गीत, व्याख्यान और कविता के रूप में प्रस्तुत किए। हर देव ही सच्चा मुर्शिद है, ए गल हर था पहुंचा दो रे गुरला 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 दो रे। सतगुरु प्यारे दुनिया बचाने में लगे हैं, मुबारक है जो भी हाथ बटाने में लगे हैं। जावे रब सामने बैठ मुस्कावे, रब सामने बैठ मुस्कावे, वखरा खुमार शार है जी, वखरा खुमार शार है जी, वखरा खुमार शार है। क्या गजब किया तूने, ये क्या गजब किया कि राज फाश कर दिया, खुदा ही तो एक राज था सीना ए कायनात में। ए मालिक तेरी दुनिया में सबका ही मंगल।
इस अवसर पर सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों सहित कई गणमान्य सज्जनों ने उपस्थित होकर सद्गुरु बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। विशाल समागम ग्राउंड का अलौकिक दृश्य स्वर्ग सा नजारा प्रस्तुत कर रहा था। सत्संग समाप्ति से पूर्व हुजूर बाबा जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, किसी भी वली गुरु पीर पैगंबर ने हरगिज नहीं चाहा कि संसार बटा हो, ये एक फ्रेगमेंटेड हो, टुकड़ों में हो। किसी भी पैगंबर का ऐसा कहीं पर भी संदेश पढ़ने सुनने को मिलता है क्या? अगर नहीं है तो फिर उन्हीं के मानने वाले पैरोकार आखिर क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? समागम का दूसरा दिन यानी 15 नवंबर, समागम ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर नीले सफेद और खाकी रंग अपनी अलग अलग शोभा में खिले हुए दिख रहे थे। इन वर्दियों में सजे हुए वो भक्त थे जिन्हें सदगुरु बाबा जी की कृपा से सेवादारों का दर्जा प्राप्त है और ये हर व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाते नजर आते हैं। समागम ग्राउंड में स्थान स्थान पर भक्तों के लिए पौष्टिक लंगर की व्यवस्था थी। लंगर बनाने में सेवा दल के भाई बहन बड़े प्रेम और लगन से सेवाएं करते हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, प्रत्येक व्यवस्था की निगरानी करना, सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करना और रात को हर स्थान की साफ सफाई करना आदि की जिम्मेदारी सेवा दल के भक्त बखूबी निभा रहे थे। सेवा की भावना से हर भक्त ही ओतप्रोत था। तभी तो जिसको जहां कहीं भी जो भी सेवा प्राप्त हुई वो उसे अपना अहोभाग्य मान रहे थे। यहां तक कि समाज के ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले भी भक्तों के शूज पॉलिश कर खुद को धन्य समझ रहे थे। बिल्डरी का काम है। बिल्डरी का? हाँ जी। और यहां पे आप बूट पॉलिश कर रहे हैं? बूट पॉलिश में 25 साल से कर रहे हैं। महापुरुषों, इसमें क्या आनंद मिलता है आपको? इस गुरु के दरबार में सब कुछ है, मुझे इसी से सुख मिला। ये मेरा बेटा वकील है, हाई कोर्ट में वकालत करता है। आप जी को महापुरुषों बूट पॉलिश करके क्या आनंद मिलता है? अहंकार टूट जाता है, बस सारा सच यही है, झुकाव आ जाता है जिंदगी की तरफ थोड़ा। और सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है, बाबा जी की कृपा है, ऐसा बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा जी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना, हमेशा सेवा करवाते रहना। मेरा नाम अश्मिता है और मैंने इसलिए यूनिफॉर्म डाली है क्योंकि मैं मतलब सारे सुख लेना चाहती हूँ और सभी की सेवा करना चाहती हूँ। दास का नाम जय चतरानी है, दास दुबई UAE को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे यहाँ से काफी सेवा दल आए हुए हैं। समागम ग्राउंड का एक सुनसान कोना जहाँ न लाइट है और न दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा है, कोई महापुरुष कोई लोग नज़र आ रहे हैं, फिर भी यहाँ सद्गुरु बाबा जी का एक भक्त, सेवा दल का एक नौजवान अकेले बैठा सेवाएं करता हुआ, निगरानी करता हुआ, चप्पे चप्पे पर निगाह रखता हुआ, कैसी होगी उसकी भक्ति, कैसे होंगे उसके भाव, आइए जानते हैं। ये जो आपको प्रेरणा मिल रही है अकेले बैठे हुए यहाँ, आपको कोई डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का, जब बाबा जी हमारे साथ है, डर तो इसे इन्होंने देखना है। समागम के दूसरे दिन की शुरुआत सेवादल रैली से हुई। इस आयोजन में भक्त सेवादारों ने विभिन्न प्रकार के खेलों और कर्तव्यों के माध्यम से जहां निष्काम सेवा भक्ति का संदेश दिया, वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी दर्शाया। इस अवसर पर सद्गुरु बाबा जी ने भक्त सेवादारों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, ये सेवा दल के जवान चाहे हिंदुस्तान में है या फिर दूर देशों की, हमारे जितने भी मुल्कों में साथ संगत कायम है वहाँ पर भी ऐसी जज्बे के साथ ये सेवाएं समर्पित की जाती हैं। सेवा दल रैली की संपन्नता के बाद दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी देर रात तक विभिन्न भाषाओं में भक्ति भरे गीतों, कविताओं और व्याख्यानों की लड़ी सजी रही। सात संगत इटली संगत शुरू हुई नू तकरीबन 15 साल हुए हैं और सात संगत दास इन्ना कोई बरलारा नहीं, यह तो सात संगत नमाणा बच्चा है और कृपा करनी बाबा जी जो आप जी का प्यार मैसेज इतों लैके चले हाँ और इटली च नहीं सारे यूरप के बच्चे असं पहुँचावे। आप जी आशीर्वाद देना कि आप जी का हथ रहे साढ़े, असी किसी भी
गलती ना कर बैठिए, किसी का दिल ना दिखा बैठिए। में जितना पानी है कलश में नहीं भरा जा सकता, सतगुरु की जितनी महिमा है शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। केवल ज्ञान लेने से कोई लाभ नहीं होता जब तक दृष्टि और छोज ज्ञान का अनुरूप नहीं होता। निरंकारी बाबा जी ने फरमाया है कि गुरमत जैसी कोई मत नहीं होती, गुरमत के बिना आत्मा की गत नहीं होती। उन बंदों को भी ये रहनुमा दें दिल में जगा, लोग जिन बंदों को नजरों से गिरा देते हैं। जो भी यहाँ आता है समागम में, ये बात ज़रूर करता है कि कमाल है, इतना रश हो, इतने लोग आए हों और फिर भी कोई इनडिसिप्लिन नहीं दिखाई देता, उसका क्या कारण है? वो था झुकाव, ह्यूमिलिटी। क्या यहाँ पर जो संत आए हैं इतने झुकाव के साथ, कारण यह है कि उनके पास कुछ नहीं है? क्या कारण यह है कि उन्हें कुछ नहीं मिला? क्या कारण यह है कि वो कुछ कर नहीं सकते? नहीं साध संगत, उनके झुकाव का कारण यह है कि उन्हें सब कुछ मिला है। तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। नाते मंदे ने सब झूठे, नाते मंदे ने सब झूठे, एक सच्चा तेरा साथ सजना। तेरे चरना दी खाक सजना, पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन भी सत्संग कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य सज्जन उपस्थित थे, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व श्री सज्जन कुमार व ऑस्ट्रेलिया से आए मैथ्यू गाइस भी सदगुरु बाबा जी के आशीर्वाद के पात्र बने। सत्संग कार्यक्रम के अंत में मानवता के मसीहा हुजूर बाबा जी ने अपने उद्बोधन में फरमाया, जो भक्त महापुरुष संत हुआ करते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा दूसरे की सोच रखते हैं। इसीलिए वो बचपन से हम पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी या दिल जमाने के लिए। कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वास्तविकता में वो जीना ही जीना कहलाता है। उस जीवन की महत्ता होती है जो औरों के लिए जिया जाता है। समागम के तीसरे दिन की सुबह कुछ ज्यादा ही उजली थी। भक्तजन तप, त्याग और सेवा के प्रतीक पवित्र सरोवर में स्नान कर स्वयं को और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रखते हुए समागम ग्राउंड में अनेक ऑफिसेज की व्यवस्था की गई थी। वहीं विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक पत्र पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन विभाग की भी सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा विशेष तौर पर निरंकारी मिशन के संदेशों को दर्शाती भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस प्रदर्शनी में जहां मिशन के आदर्शों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था, वहीं निरंकारी मिशन की आधार स्तंभ निरंकारी राजमाता जी के परोपकार पूर्ण जीवन की प्रेरणा प्रस्तुत करती यादगार तस्वीरों को भी दर्शाया गया था। समागम के तीसरे दिन की शुरुआत जनरल बॉडी मीटिंग से हुई। तत्पश्चात तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दिन का मुख्य आकर्षण था बहुभाषीय कवि सम्मेलन, जिसमें देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में अनेक कवियों ने मानवता को समर्पित अपनी रचनाएं पढ़ी।
कहीं पक्की दीवारों ने हरगिज इतने घाव न छोड़े हैं, इन कच्ची दीवारों ने जितने पक्के रिश्ते तोड़े हैं। कहीं कच्ची दीवार, क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रेम बसा कर रिश्तों में, प्रेम बसा कर रिश्तों में, हर रिश्ता पुनः जिलाते जाएं, नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। हर रसना आज कर रही चर्चे, राजमां दे उपकारां दे अक्सर बनदे सन जो शोभा साडे कवि दरबारां दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ते प्यार बिना जे पुल नहीं बनदा, ते आओ पहला प्यार बधाइए। प्यार बिना जे पुल नहीं बनना, ते आओ पहला प्यार बधाइए, ते ढाई अक्षर प्रेम दे सारे पढ़ लईए, पंडित अखवाइए। नफरत वैर दियां दीवारां तोड़न ले जो निकल पए ने, वेला है उठ के तुर पईए, नाल इना गम खारा। मुर्शद दी ख्वाहिश है पारस, दुनिया ले सुखदाई वी ने, नफरत वैर दियां ताकंदा पुल बनाए प्यारा। कवि सम्मेलन के पश्चात भी देर तक भक्ति भरे गीतों और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। विश्वमा शासन कहीँ शान्ति छैन, चारोतिर अशान्ति अशान्ति फैलिएको छ। ताउ यो अशान्तिको एउटा शासनगत निवारण गर्ने एउटा माध्यम समयको सद्गुरु बाबाजी बाहेक संसारमा कोही पनि छैन। The theme which His Holiness has given, which we have heard everybody talk on for the last 2 days and today, a world without walls, bridging humanity. We've heard everybody's testimony, thoughts on this topic and how that oneness can be achieved. I realize that the only way that this could be achieved is through tolerance. इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह, सतीश उपाध्याय, भाजपा विधायक महेश गिरी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत अनेक गणमान्य सज्जन उपस्थित थे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में हुजूर बाबा जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया, जितनी तीव्रता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं, जितने हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो, तो वास्तविकता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद हर किसी का बन जाए। तो ये जुड़ने का ही प्रताप है कि इस तरह से हमने जुड़ना है, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर से ये नाता जोड़ना है। समागम के तीनों दिन विशाल ग्राउंड के अलग अलग शामियाने में खूब रौनकें लगी, जहां अलग अलग प्रांतों के भक्त एक दूसरे से मिलकर हरी चर्चा करते, वहीं ढोल बाजे के साथ भक्ति भरे गीत गाकर खुशियां मनाते रहे।
और इस तरह 3 दिवसीय समागम संपन्न हो चुका था और भक्तजन अपने अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते सद्गुरु बाबा जी ने भक्तों को खुशी मनाने का एक और अवसर प्रदान किया गुरु वंदना के रूप में। इस आयोजन में देश के अलग अलग प्रांतों से भक्तों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो कि अत्यंत मनमोहक रहा। इसके अलावा भी सद्गुरु बाबा जी ने 16 व 17 नवंबर की सुबह रिहायशी टेंटों में जाकर श्रद्धालु भक्तों को अपने दिव्य दर्शन व भरपूर आशीर्वाद से निहाल किया। अपने इष्ट को अपने समीप पाकर भक्तजन आनंद विभोर हो उठे। इस प्रकार हृदय में ढेर सारी खुशियां और भक्ति का आशीर्वाद समेटे श्रद्धालु भक्त अपने अपने घरों की ओर लौटे और संपन्न हुआ निरंकारी मिशन का 68वां वार्षिक संत समागम। तो दोस्तों, ये था एक सुंदर दृश्य 68वें वार्षिक संत समागम का। पर मुक्ता जी, इन दृश्यों को और भी ऐसे अनेक दृश्यों को या जो वहाँ पर गीत कविताएं व्याख्यान इत्यादि हुए उनको बार बार देखने का मन करता है। जी हाँ, मन करता है और समय की कमी के रहते वो सारे पल हम आप तक पहुँचा भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो इस समागम को अटेंड नहीं कर पाए। जी, और उन सभी के लिए 68वें वार्षिक संत समागम की DVDs जल्द ही पब्लिकेशन स्टॉल्स पर उपलब्ध होंगी। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ डिवाइन के साथ। न्यूज़ रिवाइन के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हालांकि नवंबर के महीने में देश विदेश से अनेकों संत महात्मा समागम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद विदेशों में सद्गुरु के परोपकारों का सिलसिला निरंतर चलता रहा था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जिसका नाम है मिशन ओवरसीज। A unique program was organized on the occasion of Diwali in Washington, D.C., where the volunteers of Mission shared the core message of moving from darkness to light. The Fort Lauderdale branch of USA participated in a fair, also showcasing the message and teachings of the mission. And we are now in conversation with Mr. Bert Medina, President, Channel 10. One would hope that further education and understanding of each other's cultures, of borders going down physically as well as philosophically, would allow us to understand that we are more alike than we are different in many ways. The Dubai branch of the Sant Nirankari Mission participated in the Clean Up the World initiative, which was highly appreciated by the Dubai municipality. During the last months, the annual peace walk was organized in Hillington, UK. Let's take a look at this report. Peace is when people get together. That was the slogan driving the annual peace walk in Hillington, which was held to mark the commitment to a safe and peaceful borough. The Sant Nirankari Mission joined the procession alongside the Mayor of Hillington, the Metropolitan Police and the Hillington Interfaith Network. People of all faiths, backgrounds and ages came together with the common goal of peace. Representatives from each faith and background contributed towards the peace walk by sharing inspirational speeches and performances. सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की विश्व कल्याण यात्राओं का सिलसिला यूं तो निरंतर ही चलता रहता है, पर 6 दिसंबर 2015 को टेक्नोलॉजी के सार्थक प्रयोग के साथ एक साधु संघ का नया रूप देखने को मिला, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सद्गुरु बाबा जी ने जोहानिसबर्ग और डर्बन साउथ अफ्रीका के भक्तों को कृतार्थ किया। इस विलक्षण सत्संग के अंत में सद्गुरु बाबा जी ने अपने दिव्य प्रवचनों में फरमाया, सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संगत बहुत खुशी हो रही है
साउथ अफ्रीका के आप संगत के इस रूप में दर्शन करके कई वर्षों से साउथ अफ्रीका में ऐसी सत्संग का रूप बने, इसके लिए हमेशा चाहना रही, ख्वाहिश रही और दातार की कृपा से एक ऐसी शुरुआत हुई है जहां पर आप सभी इस सच की दात को पाकर इस एक परमात्मा ईश्वर निराकार का आधार लेकर मिल बैठकर सत्संग करते हैं। I pray to Nankar Almighty that may Nankar bless you with wisdom, with bliss, with love, with compassion, with tolerance, and at the same time bless you with worldly achievements and worldly happiness. Satsangaji, Dhan. तो दोस्तों, मिशन ओवरसीज के समाचार जानने के बाद आइए बढ़ते हैं निरंकारी जगत के सामाजिक योगदानों को जानने के लिए SNCF डायरी की ओर। जी हाँ, SNCF यानी कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो समाज में विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत है। और राकेश जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले दिनों चेन्नई में एक प्राकृतिक आपदा आई थी बाढ़ के रूप में, लाखों लोग बेघर हुए इस आपदा में, और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के कई वॉलंटियर्स ने जितना हो सका वहाँ पर लोगों की मदद की, भले ही वो भोजन के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो या रहन सहन के लिए हो। और SNCF के निरंतर चल रहे जो ये प्रयास हैं, उसके अलावा जो ये वार्षिक समागम हुआ वहाँ पर भी एक सुंदर रूप देखने को मिला सेवाओं का, चाहे वो कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम के साथ सहयोग के रूप में रहा, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड सेक्शंस के अंदर सेवाएं रही, चाहे एग्जीबिशन का सुंदर रूप बना। आइए सभी समाचार देखते हैं SNCF डायरी में। SNCF यानी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से वर्ष भर अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। समागम के दौरान भी SNCF की ओर से वर्ष भर संपन्न हुई गतिविधियों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। Right now I'm standing in front of संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन एग्जीबिशन। As we all know that SNCF is organizing a lot of activities for serving humanity with humility. Activities like blood donation camps, cleanliness drives, and other various activities as well. Let's ask some of the volunteers about these activities and their role in serving humanity. निरंकारी मिशन के ये जो समागम में एग्जीबिशन लगाई गई है, इस एग्जीबिशन में एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है, जो प्रोजेक्ट है संत निरंकारी हेल्थ सिटी का, जिसको बाबा जी ने हेल्थ सिटी का नाम दिया है। इस हेल्थ सिटी में हम देख रहे हैं कि ये जो हेल्थ सिटी का मॉडल है, ये निरंकारी सरोवर के पास ही इसकी लोकेशन है। यहाँ पे 10 एकड़ की जमीन में ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और इसके अलावा स्थान स्थान पर भक्तों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक हेल्थ एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में फोटोग्राफ्स के माध्यम से विभिन्न चिकित्सा पद्धति को दर्शाया गया और डॉक्टर्स के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, रोग कारण और बचाव के बारे में विभिन्न जानकारी भी दी गई, जिसका बड़ी तादाद में भक्तों ने लाभ उठाया। साथ ही समागम में SNCF की ओर से हेल्थ कैंप भी लगाए गए, जिसमें देश विदेश के कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम द्वारा लोगों को बिना किसी मेडिसिन के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की ये टीम पिछले 3 साल से दिल्ली के वार्षिक संत समागम में ये सेवाएं निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं। इस थेरेपी का लाभ लेने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। हमारे संवाददाता द्वारा पूछने पर डॉक्टर्स और मरीजों ने अपने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। My name is Dr. Jimmy Nanda. We're here again at the Sant Nikari Charitable Foundation's chiropractic clinic that's being done for the 5th straight Samagam. We're so blessed again to be here and I'm so humbled by the fact that we have over 40 doctors traveled from Canada, USA, Sweden, Australia, New Zealand, Spain. We're really essentially now covering the whole world of volunteer doctors that have left their busy practices, that have left their families to come here and serve. We had the opportunity to be in front of His Holiness Babaji and listen to his vichar, and we were so humbled at the fact that, so it's good to be here, and we hope to continue with Babaji's blessings to keep coming here for many, many years to come. My name is Brian Kelly. I'm a doctor of chiropractic and president of Life Chiropractic College West in San Francisco, California, USA. It's our privilege and our pleasure to be serving alongside the other healthcare professionals
and alongside all the other volunteers here at the St. Nirankari Mission. This is our fifth time to the Sangram, and we first came in 2013. Hi, my name is Boris Chichuk. I came here from Life West Chiropractic College from San Francisco, California. I was born in Croatia and I lived in Canada before school. It's been an honor and a blessing to be here under so much love and peace. The message that is being shared here is it should be worldwide, and watching Babaji speak last night is an absolute honor. The work that we're doing here in the chiropractic in our chiropractic tent has been amazing. We've seen so much change in people, and it's been nothing but love. Everyone is hugging, and the light that we're seeing in people is just absolutely beautiful. And if we could have this everywhere in the world, I know the world would be a much happier place. Once again, it's just been an honor and a blessing. And thank you guys so much. My name is Mahinder Lal. I belong to Punjab Amritsar. I had a back pain for a long time. But with them coming, it has been a lot of difference between me and taking treatment. I want to thank Baba Ji for those who have called this team. और मेरे जैसे न जाने कितने यहाँ पर संत आए हुए हैं, वो फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से समागम के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया। धनकर जी, दिस इज अवनीश चावला फ्रॉम दिल्ली, एंड टुडे वी आर हियर एट द डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन ऑफ द संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। द फिजिकली चैलेंज्ड सेंट्स हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अटेंड दिस निरंकारी समागम। Despite so many challenges in their lives, it is so remarkable and blissful to see their devotion. The volunteers have also played a vital role. They have been working tirelessly to serve the elderly and the underprivileged. This is the true meaning of service with humility. हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी की भरपूर आशीर्वादें हमें मिलती हैं और हम खूब आनंद लेते हैं यहाँ पर आके। I am practicing as an advocate in High Court Bench Lucknow, and I am feeling very good. I am physically fit, mentally fit. My Lord Satguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, he has given me all the facilities. He had given me mental peace. I am feeling very happiness here, and there is no space of sorrow in my life, and these all have been done by the Lord Satguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. और दोस्तों, SNCF के इन योगदानों को जिनको हमने देखा, इन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए और सदगुरु का शुक्राना करने के लिए 29 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां SNCF के सभी वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए और जहां दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने आकर के भी अपना हर्ष जाहिर किया और सभी को कुछ गिफ्ट्स, कुछ सुवेनियर्स भी दिए। जी हाँ, SNCF डायरी के बाद अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए। एक खास मुलाकात है, अन्य समाचार है, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे न्यूज़ डिवाइन में। So friends, welcome back after this short break. जी हाँ, और जैसा हमने आपसे वादा किया था, ब्रेक के बाद हम आपकी खास मुलाकात करवाने वाले हैं। लेकिन राकेश जी, ये खास मुलाकातें होने वाली हैं अब। जी हाँ दोस्तों, इस समागम पर बहुत से हमारे गणमान्य अतिथि आए और सभी ने जब समागम का रूप देखा, सदगुरु बाबा जी के संदेश सुने, तो मुक्ता जी, सभी का कुछ ना कुछ ऐसा प्रभावशाली एक संदेश था जिसे हमने एक कैप्सूल रूप में इकट्ठा किया और मुलाकात नहीं, ये सब अब मुलाकातें बन गई। जी हाँ, लेट्स हैव अ लुक। जब भी यहाँ आया, इससे बीच में भी बाबा जी से और उनके परिवार से मेरी मुलाकातें हुई, सही मायनों में वो हर प्रकार की दीवार को तोड़कर और दुनिया को एक करने का, मानवता को एक करने का उपक्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में संवाद की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में
एक दूसरे से मिलकर बैठने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ लाखों लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में गीत गा रहे हैं, भजन गाते हैं। रात को मुझे पता लगा कि रात को भी दो दो तीन तीन बजे तक लोग भजन गाते हैं उठकर। तो ये क्या है, ये संवाद बनाने की बात है। मानव कल्याण का कार्य, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा जी इस काम पर लगे हुए हैं और सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छा जीवन जिएं, भाईचारे का जीवन जिएं, समाज से कटुता खत्म हो, चारों ओर खुशहाली हो, चारों ओर शांति हो, यही मिशन का संदेश है। वेल इट्स नाइस टू सी सो मेनी पीपल हियर लिसनिंग विद रैप्ड अटेंशन ट्राइंग टू डू द इंट्रोस्पेक्शन। आई एम स्पेशली मच मोर इम्प्रेस्ड विद द कोर ऑफ वॉलंटियर्स बिकॉज आई कुड सी दैट दे आस्क नथिंग, दे हैव नो एक्स टू ग्राइंड बट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। निरंकारी मिशन, मैं दिल्ली में, मुझे आए हुए लगभग 25 साल हो गए और मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इन्हीं इलाकों में रहता था। तब से मैं जान रहा हूँ, तब से जुड़ने का मौका मिला है और अब प्रोफेशनली भी इस तरह से मैं जुड़ा हूँ। तो ये लोग जो समाज में रिफॉर्मेशन और जो मैसेज भाईचारा एकता का जो दे रहे हैं उसकी कोई तुलना नहीं है और ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो मुक्ता जी, एक खास मुलाकात के बाद अब अगला सेक्शन कौन सा है? जी हाँ, हमारा अगला सेक्शन न्यूज डिवाइन का आखिरी सेक्शन है, बट लास्ट नॉट द लीस्ट। आइए बढ़ते हैं अदर न्यूज की तरफ, जिसमें हम समागम पर अनेकों गतिविधियां हुई। हालांकि मुक्ता जी, बाल समागम, महिला समागम, अनेकों वर्कशॉप्स होती रहती हैं, पर इस बार उन सभी का रूप समागम पर देखने को मिला। तो इस अन्य समाचार सेक्शन के अंदर हम उनको भी सम्मिलित कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, अलग अलग नदियां होती हैं। जी जी। पूरे साल बाल समागम होते हैं, महिला समागम होते हैं, लेकिन जब निरंकारी संत समागम आता है तो वो एक समुद्र का रूप ले लेता है, जहाँ सारी नदियां आकर मिलती हैं। जी, और सब कुछ सम्मिलित, सब कुछ समेटते हुए अन्य समाचार देखते हैं। समागम के दौरान निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने व उन्हें भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए बाल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया और इस पर अपने विचार भी व्यक्त किए। शाम के 7 बज रहे और हम किड्स एग्जीबिशन में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने एंथुसियास्टिक हैं। इस थीम को प्रमोट करने के लिए ये हमारे पीछे एक प्ले है WWW, जो कि हमारी जो समागम है उसका थीम है वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, उसको डिपिक्ट कर रहा है। बहुत से मॉडल्स बच्चों ने प्रिपेयर किए हुए हैं और अपनी अपनी जो ये जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो भी उतने ही हैप्पी हैं, उतने ही एंथुसियास्टिक है टू सी। सो लेट अस टॉक टू सम ऑफ द किड्स, सम ऑफ द पीपल अराउंड हियर, कि वो कैसे अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं एंड व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे एक्सपीरियंसिंग अबाउट दिस एग्जीबिशन। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स थे, हमें बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला, तो ये बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। हम रियली जो ये नहीं देख रहे वो बहुत एक बड़ा वाला चांस मिस कर रहे हैं इसको देखने का। मैंने इस एग्जीबिशन में सीखा कि हमें कभी भी नफरत की दीवारें नहीं खड़ी करनी चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए। We have come here to seek blessings of Babaji. I have learned a lot doing seva here from different Mahapurushas and whatever their experience that shared that with us also. बच्चों से अगर बात करनी हो तो बच्चों की भाषा में ही करनी पड़ती है। जैसे हम कार्टून बनाते हैं, कॉमिक्स होते हैं, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं ताकि बच्चे उनको देखकर एक मॉरल स्टोरी पढ़ सकें, एक मॉरल पोएट्री पढ़ सकें। जहाँ पर भी हमने इन्हीं तरीकों को अपनाया है, मॉरल स्टोरी के रूप में एक कार्टून की फ़ोटो बना के उसके आगे एक मैसेज दिखा दिया, वो बच्चा कार्टून को देखने के बहाने वो मैसेज पढ़ता है, उस मैसेज को अपने दिल के अंदर बिठाता है। समागम में राजमाता जी के परोपकारमय जीवन पर आधारित एक DVD का विमोचन भी सद्गुरु बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा किया गया और साथ ही विभिन्न भाषाओं के गीतों, सद्गुरु बाबा जी के विचारों और कल्याण यात्राओं के वृत्त चित्र की CD और DVDs का विमोचन भी सद्गुरु बाबा जी के द्वारा किया गया। निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग द्वारा यूथ वर्कशॉप्स के निरंतर चल रहे सिलसिले में एक और वर्कशॉप आयोजित की गई। 4 और 5 दिसंबर 2015 को गुड़गांव NCR आयोजित इस वर्कशॉप में जहां निरंकारी मिशन की हिस्ट्री विस्तार से बताई गई, वहीं यूथ पार्टिसिपेशन और प्रोजेक्शंस के साथ अन्य धर्मों का इतिहास और विचारधारा भी युवाओं के साथ साझा किया गया। और न्यूज रिवाइव में फिलहाल अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन एक साल के बाद, यानी 2016 में।
और जी हम जब अपने दर्शकों के साथ 2016 में भेंट करेंगे तो एक नए रूप में आएंगे, नए सेक्शंस के साथ आएंगे और अवश्य सदगुरु बाबा जी के संदेश के साथ साथ सारे वर्ष का जो राउंडअप हम जनवरी में लेकर के आते हैं खबरों का, 2015 का राउंडअप लेकर के आएंगे जनवरी 2016 में। फिलहाल न्यूज डिवाइन की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत मुक्ता और राकेश को नमस्कार, धन्य निरंकार।